हेलो एवरीवन टुडे वी विल डू पेज नंबर थ्री इन अ वर्कशीट थ्री इट इज पैसेज पैसेज नॉट सीन क्योंकि ये चैप्टर का नहीं है तो इट इज अनसीन पैसेज थ्री पेज नंबर सॉरी और डेट इज टू सेप्टेम्बर नाउ लेट्स रीड रिया एंड हर मदर आर इन द फ्रूट मार्केट रिया और उसकी मम्मा कहाँ पे है फल जहां बिकते हैं उसके मार्केट में है रिया लुक्स अराउंड शॉप क्या uh, आसपास देखती है रिया कहाँ पे है शॉप के आसपास में है तो जब आप सामान खरीदने जाते हो तो क्या आप शॉप देखते हो ना कि हमें कौन सा सामान कहाँ पे मिलेगा तो लिया रिया लुक्स अराउंड दर शॉप द फ्रूट्स हैव सच लवली कलर्स जब बहुत सारे फ्रूट होते हैं तो दे आर मेनी कलर्स दीज ऑल आर वेरी कलरफुल रिया पुट सम पर्पल क्रिप्स इन टू हर बास्केट रिया की मम्मा जो है रिया की मम्मी क्या करती है वो सम awesome, मतलब थोड़े से पर्पल कलर के क्रिप्स जो है वो बा, आ, बास्केट में रखती है मतलब इन्होंने वो बास्केट में उन्होंने वो पर्पल क्रिप्स खरीदा और उसे बास्केट में वो रख रही है ओके नाउ एक्सरसाइजेस क्वेश्चन वन इज गोइंग टू द मार्केट विद होम कौन मार्केट जा रहा है और किसके साथ जा रहा है तो विया एंड हर मदर आर गोइंग टू द मार्केट कौन जा रहा है विया एंड उसकी मम्मा तो विया एंड हर मदर क्वेश्चन टू व्हाट हैव लवली कलर्स किसके लवली कलर्स है द फ्रूट्स हैव लवली कलर्स क्वेश्चन 3 हो पुट्स ग्रेप्स इनटू बास्केट बास्केट में आ, कौन ग्रेप्स करता है तो कौन रखता है वियास मदर पुट्स सम पर्पल ग्रेप्स इनटू हर मार्केट कौन होता है जो विया की मम्मा होती है वो ग्रेप्स को बास्केट में रखती है क्वेस्टन फोर राइट टू प्लेसेस हमें दो जगह के नाम है तो दो जगह के क्या ना? एक तो शॉप जहाँ पे हम सामान खरीदते हैं और मार्केट जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स होते हैं वहां पे हम सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो इट कुड बी टू प्लेसेस शॉप एंड मार्केट क्वेश्चन फाइव राइट द फ्लूगल्स हमें लिखना है ग्रेप के क्या होते है ग्रेप्स एंड कलर के कलर्स नाउ पेज नंबर फोर वी विल ड्रू दिस इज पेस नंबर फोर अन सीन पैस इन माई अंकल हैज ए न्यू एगरप्लेन मेरे अंकल के पास एक न्यू एगरप्लेन है इट इज येलो विथ ब्लू स्ट्रेप वो किस कलर की है इट इज येलो जो उसकी ब्लू स्ट्रेप है जो मैंने यहां पर ड्रॉ भी किया है इट इज अ ब्लू स्ट्रेप एंड इट इज येलो कलर द विंग्स एव स्टार्स ऑन जो विंग्स होते हैं इनमें क्या होते हैं स्टार्स जो यहाँ पे लाइट्स होती है वो रात को कैसे चमकते हैं? स्टार्स तो वहाँ पे क्या लिखना है मतलब क्या लिखा है वो स्टार्स की तरह चमक रहे थे यहाँ पे स्टार्स हैं। ही ट्रुक मी ऑन अ ट्रिप इन हिस्स न्यू प्लेन वो मुझे मतलब जो मेरे अंकल है वो मुझे कहाँ लेके जा रहे है वो मुझे एक ट्रिप पे लेके जा रहे है किसमे न्यू प्लेन में द नेम ऑफ हिस प्लेन इज उनके प्लेन का क्या नाम है इस प्लेन का क्या नाम है येलो बर्ड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एरोप्लेन इज इट इज येलो बर्ड ओके ना क्वेश्चन नंबर वन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन वन हुज अव एरोप्लेन किसके पास न्यू एरोप्लेन है तो माई अंकल हैज अव एगरप्लेन माई अंकल के पास एक न्यू एरोप्लेन है क्वेश्चन टू वट आर द कलर्स ऑफ द एरोप्लेन एरोप्लेन के कलर्स कैसे है तो व्हाट इज अ कलर इट इज अ येलो देखो इट इज अलो विद ब्लू स्ट्रिप्स राइट इट इज येलो विद ब्लू स्ट्रिप्स क्वेश्चन ही हु टुक द बॉय ऑन ट्रिप इन द न्यू एरोप्लेन न्यू एयरप्लेन पे कौन लेके जा रहा है एस अ ट्रिप तो माई अंकल टुक मी ऑन ट्रिप इन द न्यू एरोप्लेन मेरे जो अंकल है यहाँ पे ही टुक लिखा है तो ही टुक मतलब मेरे अंकल तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मेरे अंकल टुक में ऑन ट्रिप इन द न्यू एरोप्लेन क्वेश्चन फोर व्हाट इज नेम ऑफ द एरोप्लेन एरोप्लेन का क्या नाम है द नेम ऑफ द एरोप्लेन इज येलो बर्ड क्वेश्चन फाइव राइट टू ऑपोजिट आंटी का अंकल लो हाई ड्रॉ एन एरोप्लेन एंड कलर इट विद येलो ब्लू स्ट्रेप देखो मैंने मेरी ड्रॉइंग बहुत अच्छी तो नहीं है बट आई ट्राइट टू ड्रॉ इट यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया ब्लू कलर का सॉरी येलो कलर की ये एरोप्लेन है और दिस ब्लू कलर की स्ट्रिप्स है तो यू कैन ड्रॉ आपको जिस तरह से भी ड्रॉ करना आता है यू कैन ड्रॉ एज अ वन एरोप्लेन और आप अपने अकॉर्डिंग उसको कलर कर सकते हैं ओके विद आम एंडिंग द सेशन थैंक यू